आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग। और वीवीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग में हम एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं। बेसिकली 3 दिन पहले मुझे मेरे पुराने स्टूडेंट का कॉल आया था। पुराना स्टूडेंट चाहता था एक काम। बेसिकली उसके पास एक फोल्डर होता है और उस फोल्डर में कुछ फाइल्स होते हैं। फाइल्स का नाम क्या है उसको उससे उसका कोई आइडिया नहीं, राइट? वो उसका कहना है कि इस फोल्डर के अंदर में जो सबसे लेटेस्ट फाइल है, दैट्स माय फाइल, उसको ओपन करके मुझे डेटा पाना है। सो हाउ कैन फाइंड कि सबसे लेटेस्ट फाइल कौन सा है, समझे? क्वेश्चन समझे? जी सर। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे करना होगा कि वो इस फोल्डर के जो फोल्डर है, इस फोल्डर का पूरा फाइल का यहाँ पे लेके आना होगा, नेम विथ यो इसका डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि पूरे फाइल के लिस्ट कैसे आए। तो चलिए इसी चीज को हम पहले पढ़ते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे मॉड्यूल्स लिए, यहाँ पे हम सब्जेक्ट देते हैं आरा ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, राइट? अब यहाँ पे देते हैं dim fn as a string, एक वेरिएबल लेते हैं और fn equal to dir, एक डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। उसमें अगर आपने कोई फाइल का पाथ दे दिया, हमने दे दिया डॉट स्टार डॉट यहाँ पे डॉट xls और कॉमा, हमने यहाँ पे दे दिया वीवी नॉर्मल। अब ध्यान से देखिए सर क्या होगा, ये क्या करेगा कि इसमें जाएगा और जितने ये फाइल्स है सारे फाइल का लिस्ट ले लेगा नॉर्मल फाइल की, ठीक है? अब प्रॉब्लम ये है कि ये लिस्ट लेके एफएन को देगा, लेकिन एफएन क्या है, एफएन एक स्ट्रिंग है, तो ये एक बार में एक ही डेटा को कैरी करेगा, समझ जाए जी? तो अगर इस डेटा को यहां रखना है, जैसे मान लीजिए हमने यहां पे दे दिया रेंज ए वन डॉट वैल्यू इक्वल टू एफ एन, अब दूसरा चाहिए तो फिर वापस मैं एफ एन इक्वल टू डी आई आर, तो फिर वापस वो दूसरे फाइल नेम को रीलोड कर देगा और फिर यहां पे हम देंगे ए। अगर इसको रन कर देखिए, दो फाइलों का लिस्ट ये आपको यहाँ पे टाइप कर देगा, पहला एक्सेस फाइल का पाथ होना जरूरी है। अब फाइल के पाथ में कंफ्यूजन है ना, देख रहे हैं आपको सर, कोई भी फाइल पाथ नहीं ले रहा है, तो इस केस में हम यहाँ पे स्टार डॉट स्टार कर देंगे ऑल फाइल लिस्ट। यहाँ पे देखा दो फाइलों का लिस्ट यहाँ पे डाल दिया, तो अब जितने भी फाइल है सब फाइल के लिस्ट के लिए मुझे यहाँ पे कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट इस तरह से करना पड़ेगा। अब यही पे एक दिक्कत आ गई, दिक्कत समझ में आया कि नहीं सर? राइट जी, जी सर। ए टू ए थ्री ए फोर बनाना पड़ेगा ना सर, है ना? हाँ, मतलब कि ये है कि वो तो चलो ठीक है हम बना लेंगे, बट प्रॉब्लम ये है इसको अगर किसी लूप में हम डालते हैं तो आखिर लूप कितना बार चलेगा, क्योंकि तो मुझे इस बारे में थोड़ा ही पता नहीं है कि एक फोल्डर में कितने फाइल है और ना मेरे पास किसी तरह का फॉर्मूला है इस चीज को काउंट करने के लिए कि फोल्डर में कितने फाइल, क्योंकि तो फोल्डर
एक्सेल से बाहर की चीज है। बड़ा समझ में आया सर? बस यहाँ पे एक कंडीशन है कि जैसे ही डायरेक्टरी के पास डायर फॉर्मूले के पास उसके सारे फॉर्मूले लिस्ट खत्म हो जाए, सारे फाइल लिस्ट खत्म हो जाएंगे, तो एफ एन के ऊपर ब्लैंक स्टोर करेगा। सभी फर्दर फिल किया था राइट सर? तो मैं कंडीशन है कि जब तक एफ एन को फाइल नेम मिलता रहे तब तक मेरा लूप चलता रहे। तो जैसे कि मैं शुरुआत में बताया था कि लूप दो तरह के होते हैं, रिकॉर्डिंग शेयर करना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था नेट। तो अब एक कंडीशंस पे हमारा रन होता है, तो हमें हमें चीज का पता नहीं कि एफएन को कितनी दोनों लाइन को कितना बार रन करना है, क्योंकि जितना फाइल उतना रन करना है। और जैसे डीआईआर के पास फाइल का नेम खत्म होगा और वो एफएन मतलब कि एफएन के ऊपर ब्लैंक स्टोर करेगा। तो अब यही पे मेरा कंडीशन है कि जब तक एफएन को ब्लैंक ना मिले तब तक मेरा लूप चलता रहे। तो इस चीज को हमारा डू लूप करता है, डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल एफएन नॉट इक्वल टू ब्लैंक, और यहां पे हमने लूप दे। ठीक है सर? तो अब जो है आप देख, अब यहां पर ए वन है, अभी भी दिक्कत है, इसको हम एक काम करते हैं, यहां लिख देते हैं रेंज ए 65,000 डॉट वैल्यू, 65,000 डॉट एन वैल्यू नहीं करना है, एन अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू। अब क्या होगा कि इस फोल्डर का पूरा फाइल नेम मुझे दे दे दिया सर। तो किसी फोल्डर का फाइल नेम का लिस्ट चाहिए लिस्ट आपको, तो आप इस डायरेक्टिव फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पे आप एक्सटेंशन डाल दीजिए या फाइल का इनिशियल नेम, यहाँ पे होता है स्टैक की जो सर्च के मान हम यूज करते हैं, जो काउंटी हमने पढ़ाया था मेथड यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने डॉट लगा दिया कि सारे फाइलों का लिस्ट चाहिए, या डॉट एक्सएलएस एक्स कर दिया, या एक्सएलएस एक्स कर दिया, या एक्सएलएस एम कर दिया, आप डिफाइन अपने हिसाब से ले सकते हैं, या एक्सएलएस स्टार लगा दिया, मतलब कि कोई भी फाइल एक्सेल फाइल लिस्ट। ठीक है? तो डीआईआर ने क्या किया कि अपने पास सारी इंफॉर्मेशन को लोड कर लिया, और इन्फॉर्मेशन अब देना है उसको, लेकिन एक बार में एक ही देता है। लेकिन दोबारा लेने के लिए आपको डीआईआर को बस ये करना होता है, तो रीलोड बोलते हैं, रीलोड करना होता है। तो कोई बीच में पासवर्ड मत डालिए, तो वो क्या करेगा कि अपने पास जो दूसरा फाइल नेम है उसको एक एक करके एफएन को देता रहेगा। जब उसके पास सारे फाइल नेम खत्म हो जाएंगे तो एफएन को ब्लैंक देगा। जैसे एफएन पे ब्लैंक हुआ, वाइल जो है लूप को खत्म कर देगा। क्लियर है? दूसरे को बताओगे दोबारा, और अगर प्लीज एक बार रिकॉर्डिंग की उसको दे दो परमिशन। क्या सर? रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दोगे प्लीज एक बार? हां दे रहा हूं। और सर बताओगे प्लीज एक बार क्या मतलब ये है क्या? अभी तो बताया सर, डिस्कनेक्ट हो गया था इंटरनेट। सर एक डीआईआर फॉर्मूला होता है, डीआईआर फॉर्मूला क्या है कि उसके अंदर जो आप पाथ डालते हो, अब फाइल नेम नहीं पता तो फाइल का इनिशियल डालते हो, जैसे कि मैंने यहाँ एक्सटेंशन डाल दिया, या फाइल का फर्स्ट नेम डाल दिया, जो भी डालोगे तो इनिशियल मैच करेगा, वो सारे फाइल लिस्ट को अपने पास स्टोर कर देगा, लेकिन वो फाइल नेम देगा एक बार में एक ही, राइट? एफएन के ऊपर जो फाइल है और एक्स्ट्रा आप एक के नीचे के एक पेज करता चले जाए। और यहाँ हमने एफएन को बोला कि भाई दोबारा से डीआईआर से मांग। डीआईआर क्या करता है कि आप जो है दोबारा बार में डीआईआर ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देते हैं, तो फिर वो दूसरी फाइल देता है, फिर तीसरी भी, चौथी भी, पांचवी फाइल देगा। जब उसके पास फाइल लिस्ट खत्म हो जाएंगे तो ब्लैंक वापस करेगा ब्लैंक,
और मैंने यहाँ पे डू वाइल को दिया हुआ है, डू वाइल जो है किसी स्टार्टिंग और एंडिंग पे नहीं चलता, वो एक कंडीशन पे चलता है लूप, ये भी एक तरह से लूप है लेकिन वो कंडीशन पे चलता है। तो हमने बोला कि एफ एन के ऊपर जब तक ब्लैंक ना मिले तब तक चलता है, एफ एन नॉट इक्वल टू ब्लैंक हमने कर दिया, जब तक नॉट इक्वल टू ब्लैंक है एफ एन तब तक चलता रहो, जैसे एफ एन के ऊपर ब्लैंक स्टोर हुआ लूप यहाँ से बाहर आ गया और सारे फाइल लिस्ट हमें मिल गए। ओके okay, तो मतलब जितनी भी हमारे फाइल, ये जो फाइलें हैं ये हमारे एक फोल्डर के अंदर है, राइट? हाँ राइट। और हमें एक एक्सेस शीट पे अगर मान लो हमें देखना कि किस पर्टिकुलर फोल्डर में कितनी फाइलें हैं तो उसके नेम चाहिए, तो हम यहाँ पे उसका देख सकते हैं, राइट? अब मुझे इसमें क्या है, किसी फाइल का नेम नहीं चाहिए क्योंकि मेरा पर्पस है सबसे लेटेस्ट फाइल को ढूंढना, तो मैं इसके बगल वाले कॉलम में इसका लेन ला देता हूं, राइट? तो मैं यहाँ पे यहाँ ले जाता हूं, सेम फॉर्मूले में कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ और एक एक जगह पे यहाँ पे जीरो कर देता हूँ और यहाँ वन कर देता हूँ। और हमारे पास एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे फाइल लेन, फाइल नेम क्या करता, फाइल नेम नहीं, फाइल डेट एंड टाइम, आपके फाइल नेम तो साइज देता है, डेट एंड टाइम। वो क्या करता है कि EFN, लेकिन सिर्फ FN से काम नहीं चलेगा क्योंकि पूरा फाइल नेम विद पाथ चाहिए उसको, यहाँ से पाथ भी कॉपी करना पड़ेगा, उसको क्या पता कि FN कहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह से अब मैं एक बार फाइल लिस्ट को यहां से डिलीट करता हूं। और यहां से रन करता हूं, ये हमारा फाइल रिटर्न टाइम। अब मुझे इसमें से मैक्सिमम मैक्सिमम सबसे लेटेस्ट फाइल चाहिए, सबसे लेटेस्ट फाइल चाहिए। क्लियर है सर, लेटेस्ट फाइल चाहिए, तो मैं यहाँ पे लास्ट में LT इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैक्स, मैक्स में हमने दिया रेंज और रेंज में हमने क्या दिया ठीक है, और फिर फाइल नेम भी तो चाहिए, फाइल नेम इक्वल टू सेम एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैच, मैच में बोला कि एलटी मैच करना है इसके अंदर, तो रेंज बी डॉट, या वी लुकअप भी कर सकते हैं आप इसमें, नहीं वी लुकअप नहीं, वी लुकअप दिक्कत हो जाएगा, एलटी मैच ही रहेगा कॉमा जीरो, तो उसका मुझे क्या निकल जाएगा रो नंबर, रो नंबर निकल गया तो आपको अगर कहाँ पर चाहिए इसमें, मान लीजिए मुझे यहाँ पर चाहिए डी वन में चाहिए, तो यहाँ पे हम करते हैं रेंज डी वन डॉट वैल्यू इक्वल टू तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर दिया डॉट वैल, ठीक है, अब मैं इसको यहां से डिलीट कर देता हूं और दोबारा रन कर, वन डॉट एक्सएलएस सबसे लेटेस्ट फाइल है, समझ गया सर? FN को
वो करना नहीं पड़ेगा सर, क्या? FN है ना सर। FN काम, अच्छा यहाँ पे FN आ गया ना, सॉरी यहाँ पे FN आ, रोल कर दीजिए, आल कर दीजिए, ठीक है। अब आपको इसको ओपन करवाना है, कुछ भी करवाना है, तो इसका यूज आप कर सकते हो। क्लियर है जाहिद जी, कोई डाउट इसमें? अभी ठीक है सर, अगर होता तो बताता हूँ आपको। अब इस एग्जाम्पल को बिहाफ पे लेते हुए आप एक और काम अपना कर सकते हैं। आपको याद होगा जब हमने आपको बताया था कि बहुत सारे शीट की डेटा को एक शीट पे कॉपी करना, याद है? जी अब आपको इसी रेफरेंस को लेते हुए आपको क्या करना है कि आपके पास एक फोल्डर में 10 फाइलों है, 10 फाइलों का डेटा एक फाइल के अंदर कुलेट करना। दिस इज योर होमवर्क। मतलब 10 जो वर्कबुक है उसका जो डेटा है एक अलग वर्कबुक में पेस्ट करना, राइट? हाँ, मैं भी तो यही बोल रहा हूं। वर्कबुक का। ओ ठीक है तेजेंद्र जी, ठीक है सर। और एक कोड मैं आपको भेज दे रहा हूं, तो आप लोग फटाफट बनाइए और मुझे भेजिए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। ठीक है सर। सर अभी, हाँ सर हाँ, अभी क्यों? अभी ऑफिस के निकलना है तो अभी अभी आपके पास टाइम है ना? मान लो अभी मैं बैठे मैं, खाने लगू 15 मिनट और, तो इस ऑफिस तब क्या होगा? 7 बजे का टाइम है ना? एक्सेल के लिए टाइम जो दिया हो, एक्सेल के लिए रखिए सर, किसी और चीज के लिए मत रखिए। जी सर। ओके जो एक्सेल का टाइम है वो एक्सेल का ही होना चाहिए। सर। ओके।